Jordan. हरलाखी बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी ने गुरुवार को खिरहर थाना का निरीक्षण किया। एसडीपीओ के थाना पहुंचते ही जिला बल व अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। एसडीपीओ ने थाना के सभी पंजीयों का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। थाना के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, सिरिस्ता, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना व थाना कार्यालय सहित सभी पंजीयों का बारी बारी से गहन अवलोकन किया। वहीं एसडीपीओ ने थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए सभी गांव के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में कड़ी नजर रखने व शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू कराने का निर्देश दिया। इसके लिए दीवा व रात्रि गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया। उन्होंने लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर एसआई दिनेश ओझा, पीएसआई प्रिया कुमारी, एएसआई राम प्रवेश प्रजापति, नागेंद्र कुमार व राम सोघारा दास सहित सभी पुलिस बल मौजूद थे। आज थाना का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आए, जिसमें थाना में संधारित सभी अभियुक्तों को अद्यतन करने हेतु और विशेषकर थाना में संचालित महिला हेल्प डेस्क, जिसमें महिलाओं की समस्या का निदान किया जाता है, सीसीटीएनएस और बीसीएनडी, जो प्रत्येक गांव में जो गुंडे बदमाश हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया गया है, उनका पूरा बायोडाटा बनाया गया है कि वो किसी भी तरह की सोशल एंटी सोशल एलिमेंट अगर है, किसी तरह सोशल एंटी सोशल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सके। इस आधार पे सिन्हर थाना में जितने भी गांव हैं उसके सभी बदमाशों का एक डेटा बना दिया गया है और सिन्हर थाना में जितने भी केस पेंडिंग है पहले से उनको जल्दी से निपटारा करने के लिए जितने भी वारंट है अरेस्टिंग करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। और कोई विशेष निर्देश मैडम थाना क्षेत्र में? थाना क्षेत्र में यही है कि जितने भी इस क्षेत्र के क्रिमिनल हैं इस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाए, क्योंकि किरहर थाना प्रभारी काफ़ी देर तरह एक ऑफिसर है और सभी लोगों को ट्रैक कर करके अरेस्टिंग करेगी और ये निश्चित रूप से होगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।